जी सर, दीप, खरीदारी करने की राय, और खरीदारी करनी है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में नया हाई बनाने के लिए बैंक निफ्टी तैयार होता दिख रहा है। डेटा बहुत मजबूत बन रहे हैं, और मैं थोड़ा सा प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ। मुझे 3 बजे तक इंतजार करना था कि 42,200 के ऊपर टिकता है या नहीं टिकता है, तो अब 3 बजने में 15 मिनट बाकी है। आप 42,275 के ऊपर ऑलरेडी टिक रहे हैं, तो अब इतना प्रिजेम्पशन तो लेकर चलना पड़ता है गट फीलिंग के तौर पर। सो उस हिसाब से मैं जो लेवल दे रहा हूँ, स्पॉट लेवल दे रहा हूँ, 42,050 का आपका स्टॉप लॉस है, 42,050। टारगेट 42,350, 42,425, 42,475, तीन छोटे टारगेट दे रहा हूँ, 42,350, 42,425 और 42,475। ये तीन टारगेट छोटे हैं, और अगर इसके पार निकल के टिके तो फिर 42,650-700 तक ये जाने की तैयारी कल परसों तक की हो सकती है। इस एक्सपायरी तक 42,700 के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है। फिलहाल आज और कल तक के लिए ये टारगेट है 350, 425, 475, और यहाँ पर खरीदारी करनी है। दूसरा तरीका है 42,200 का कॉल ऑप्शन खरीदना है, 250-260 रुपए की रेंज में लीजिए। मैंने लास्ट देखा था 255, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, 255-260 के आसपास एंट्री करने की कोशिश कीजिए 42,200 का कॉल ऑप्शन इन द मनी वाला। स्टॉप लॉस लगाना है आपको 200 का स्टॉप लॉस लगाना है, 250-60 में लेंगे, 200 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट जो बनेंगे आपके लिए कॉल ऑप्शन के लिए 290-325, दो छोटे टारगेट, 375 और 450 बड़े टारगेट, इसके लिए आपको ये खरीदारी करनी। तो बैंक निफ्टी को आप कॉल ऑप्शन के जरिए भी ट्रेड कर सकते हैं, और अगर आपको सीधा फ्यूचर खरीदना तो सीधा फ्यूचर खरीदें, जैसे आपकी इच्छा। मूड आपका दोनों में अच्छा, दोनों में अच्छा है दीप। अगर थोड़ा भी डाउ फ्यूचर ने और साथ दिया तो आज ही एक नया लाइफ हाई बनाने की तैयारी बैंक निफ्टी कर सकता है। 42,300 के भी ऊपर आ गया, अब मजे की बात बताऊं मैं आपको, 42,300 के ऊपर आने के बाद बैंक निफ्टी में करीबन अब आप देखिए 30, 40, 70 और 20, 90 करीबन 1,20,000-1,25,00,000 शेयर बैंक निफ्टी के कॉल राइटर्स ट्रैप है। 1,25,00,000 बैंक निफ्टी के, निफ्टी के अगर आप आज 42,300 के ऊपर बंद होते तो हाई से 30 पॉइंट ही दूर। हाँ, तो 42,345 का हाई है ना, इसलिए वही तो हाई को प्रीएम्प्ट कर रहा था। अच्छा, वहीं से फिर कॉल आ गया। हाँ, कई बार होता है ना कि पुराने हाई पे जाकर रुकते अटकते हैं, तो मेरी कोशिश हाई को ही प्रीएम्प्ट करने की थी कि हाई पार करे उसके बाद भागे, उससे पहले प्रीएम्प्ट करने की कोशिश की। तो 42,500 तक तो जाने का रास्ता बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, इसमें ज्यादा दिक्कत है ही नहीं। और इस बीच नितिन जी कुछ ऐड करना चाहते हैं बैंक निफ्टी पर, एक बार मैं चलता हूँ नितिन जी के पास। नितिन जी बताएं सर। देखिए जी, बैंक निफ्टी ने आज 11% ओपन इंटरेस्ट ऐड किया है, और ये सुबह जब मार्केट नीचे की तरफ थी उसी समय पूरी की पूरी एडिशन है, और अभी बैंक निफ्टी हाईस पे है। तो ये जो लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन है, यानी किसी ने लॉन्ग की होगी किसी ने शॉर्ट की होगी, तो शॉर्ट वाला ऑलरेडी ट्रैप हो चुका है, और लास्ट 4-5 दिनों की देखेंगे तो करीब करीब 30-35% ओपन इंटरेस्ट है। ये पूरा का पूरा शॉर्ट है मार्केट, तो मुझे लग रहा है कि 42,700 का लेवल काफी फास्ट आना चाहिए। इनफैक्ट कल परसों में आ सकता है, इनफैक्ट कल भी आ सकता है, ज्यादा दूर नहीं है। और जिस तरीके से आज ब्रेकआउट हो रहा है, और खासतौर से लीडरशिप मुझे लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक से आएगी, क्योंकि एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी बड़े हाथों में है, क्योंकि उसी से पूरी मूवमेंट बन रही है, और अभी वो बिल्कुल शांत है। मुझे लग रहा है कि लास्ट आधे घंटे में एचडीएफसी बैंक में मूवमेंट आएगी, जो बैंक निफ्टी को लीड करता हुआ ऊपर की तरफ लेके जा सकता है।